हर महादेव। लोग आ गए ऐसा लग रहा है कि देख रहे हो पास दिखाना होगा आपको। ऑफ रोडिंग के पूरे मजे लिए जा रहे हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज है 19th ऑफ सितंबर और सुबह के करीब 4:30 हो गए। इस वक्त मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके सामने और मेरे पीछे मोहित को देख सकते हो और रवि भैया उधर अपना सामान को एडजस्ट कर रहे हैं। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। और अभी हमारा जितना लगेज है इतना सारा लगेज को हमें 3 बाइक के ऊपर बांधनी है, ये सबसे बड़ी टास्क होने वाली है आज की। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई को प्रणाम, छोटे को हाय और मेरे ऊपर वाले को क्या हाल चाल है मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हो अभिनव ब्लॉग। तो पिछला 2-3 ब्लॉग तो आपने देख लिया, गौरव भाई को देख लिया आपने, मैं दिल्ली आ गया। अब दिल्ली से मैं निकल रहा हूँ केदारनाथ के लिए। मेरा रिपोर्ट जो था वो नेगेटिव आ चुका है, ई पास हमने अप्लाई कर दी, ई पास हमें मिल चुका है और भाई सब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। अभी लगेज का हाल कुछ ऐसा है कि ये सारा लगेज मेरा स्लीपिंग बैग के साथ, ये मोहित भाई काफ़ी लेट कर दिए हमें आज, सारा जिम्मेदारी लेट करने का इन्हीं का है। रवि भैया सामान हैंडल कर रहे हैं। अभी सबसे पहला टास्क है हमारा डोमिनार के ऊपर इतना सारा सामान बांधना और उसके बाद प्लेटिना के ऊपर तो सामान आराम से आ जाएगा, फिर तो टीवीएस के ऊपर सामान आराम से आ जाएगा। क्योंकि फटाफट तब तक के लिए टाइम लॉस हो जाएगा। तो वी आर ऑल सेट, सैडल बैग, टैंक बैग, टेंट, योगा मैट, स्लीपिंग बैग और एक एक्स्ट्रा ट्रैकिंग बैग, सब कुछ सेट है। रवि अभी सेट है, मोहित भी सेट है और चलो चलते हैं। अब बहुत लेट हो गया, 5:30 के ऑलमोस्ट हो गया अभी तक समय। हर महादेव। हे भगवान, सब कुछ बढ़िया से कर देना, अच्छे से आपके दर्शन हो जाए, बस यही मनोकामना है हमारी। फिर मुझे लिटरली अभी गुजबम्स आ रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुजबम्स आ रहा है कि मेरा ड्रीम था एक कि मैं सैडल बैग, टैंक बैग, योगा मैट, स्लीपिंग बैग, ये सारा चीज़ लगा करके मैं लद्दाख जाऊं। लद्दाख तो नहीं हो पाया लेकिन महादेव जी ने बुला लिया। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा गुजबम्स आ रहे हैं मुझे इस वक्त। और मोहित की डोमिनार क्या लग रही है भाई, ये पूरा सामान हम और रवि भाई ने मिलकर लोड किया है क्योंकि मोहित बहुत कच्चा पक्का है सामान लोड करने में। तो हमने सामान लोड किया है, काफ़ी सही तरीके से हमने सामान लोड किया है। इस वक्त हम है वेस्ट विनोद नगर मंडावली में, यहीं पे मोहित का घर है, यहीं पे हम रुके हुए थे। और चलो मिलते हैं आपसे दिल्ली से बाहर निकलने के बाद। अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक, दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं हम, शायद अभी उत्तर प्रदेश में है। हाँ उत्तर प्रदेश में ही हम और पिछले 2-3 मिनट से हमें ट्रैफिक मिला हुआ है। और ट्रैफिक में सबसे बड़ी बात यह है कि भाई बहुत संभल के चलाना पड़ता है क्योंकि हमारी बाइक बिल्कुल लोडेड है, दोनों तरफ सैडल बैग्स लगे हुए हैं, तो छोटी छोटी जगहों से गाड़ी नहीं निकलती है। तो इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ता है कि यार बाइक में सैडल बैग्स लगी हुई है। ये तो कभी कभी क्या होता है ना कि दिमाग से उतर जाता है कि सैडल बैग्स लगी हुई है और हम कहीं से भी गाड़ी को निकाल लेते हैं। टेम्परेचर जो है वो इंस्टेंट ड्रॉप हो गया है और जो फॉग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो कैनाल है इसके ऊपर तो भाई बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा, और हल्का हल्का ठंड महसूस होना शुरू हो गया है मुझे। सुबह के 7:17 हो गए और हम पहुंच चुके हैं खटौली जो कि उत्तर प्रदेश में है। और जो कैनाल आप देख रहे थे हमारे साइड से वो मेनली गंगा है, ये गंगा कैनाल है जो हरिद्वार से चलकर आती है, हरिद्वार से जो गंगा नदी निकलती है उसका एक पार्ट है ये गंगा कैनाल। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मैंने रोका बाइक, थोड़ा रिसर्च किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर रुके हैं चाय वगैरह पीने के लिए। सुबह करीब 5:30 बजे निकले थे मोहित, 5:30 बजे लोग निकले थे। अभी सुबह के 7:17 हो रहा है और बहुत अच्छा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, अप्रॉक्स 95 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। और भाई साहब क्या रोड है, मतलब भाई साहब है तो सिंगल लेन लेकिन बहुत तगड़ा रोड है, बहुत तगड़ा। और वो हमारे रवि भैया वहाँ पे कुछ मस्ती या मजाक कर रहे हैं वहाँ पर। तो चलो एक बार आपको डे लाइट में बाइक दिखा देती है अपनी अपनी। ये मोहित भाई की डोमिनार, ये है मेरी प्लेटिना और इस चैनल पे अगर आप आए हो यहाँ तक देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब आप लोग कर लेना और नेपाल वाली वीडियो भी होगी देख लेना और पाकिस्तान वाली वीडियो भी देखते हुए जाना। ये है रवि भाई की अपाची 160। देखो भाई ये बाइक झारखंड से है, वो बाइक झारखंड से है, बाकी वो बाइक दिल्ली से है और मैंने ये लाइट्स लगवाई।
चलो यहाँ से चाय पीते हैं, फिर निकलते हैं और फिर मिलते सीधे आपसे मोटर व्लॉगिंग मोड में। क्या सही वाला फॉग हो रखा है, मतलब ऐसा फॉग है कि आगे का 50 मीटर कुछ दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल ब्लाइंड। टेम्परेचर जो है भाई वो बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब पैरों में ठंड लग रही है, क्योंकि ऊपर तो हमने जैकेट डाल रखा है लेकिन पैरों में वार्मर जो अभी तक हमने पहना नहीं है, तो ठंड जो है वो बढ़ चुकी है। और भाई साहब मतलब लग रहा है कि ये क्या बोलते हैं, हम लोग आ गए, अब ऐसा लग रहा है स्वर्ग आ गए, ऐसा ऐसा कोहरा किया हुआ है कि इस वक्त फ़िलहाल हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे हैं और बॉर्डर की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब ये रोड है ही नहीं, पूरी मट्टी है, सिर्फ यहाँ पे धूल है, क्योंकि बॉर्डर पे भाई साहब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है जिसके कारण से रोड ख़राब हो जाती है। और थोड़ा ऑफ रोडिंग भी हम कर लेंगे लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब ये चक्का मेरा भाग रहा है। अगर वहाँ पे बारिश रहती तो भाई साहब वो पूरा कीचड़ बन गया होता वो जगह, और मतलब बाइक तो फंसी जाती, इतना ज़्यादा गड्ढा है वहाँ पे कि। उत्तराखंड मेरा फर्स्ट टाइम होगा आज तक, इससे पहले मैं कभी उत्तराखंड नहीं आया हूँ और मेरी बाइक के लिए भी फर्स्ट टाइम होगा उत्तराखंड। देखते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है उत्तराखंड में और बॉर्डर पर क्या कुछ होता है हमारे साथ चेकिंग वगैरह में। उत्तराखंड का बॉर्डर और अब हमारी एंट्री है वो हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर। वाह, फर्स्ट टाइम इन उत्तराखंड। ओ भाई गजब गजब, ओ भाई साहब, गंगा माता को मेरा प्रणाम झारखंड से। तो क्या लग रहा है यार, मतलब इसमें गिर जाओ तो बह जाओगे। बहुत सुंदर लग रहा है ये, बहुत सुंदर नजारा भाई साहब। ओ भाई भाई साहब, देवों की धरती उत्तराखंड में आपका स्वागत है। ओह मेरी बाइक, ओ भाई आराम से। रांची 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 चलो ठीक है, हाँ वीडियो चल रही है। हरिद्वार में आपका स्वागत है, हरिद्वार में गंगा नदी बहुत पवित्र बहुत शुद्ध, यादव शिरोमणि श्री कृष्ण घाट, मतलब यार बरसों की तमन्ना थी कि गंगा नदी जहाँ से शुरू होती है उस जगह को देखूं और आज फाइनली देख पा रहा हूँ। और दूर हमारा हिमालय पर्वत हमारा वेट कर रहा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है, तो हिमालय पर्वत के ऊपर भी हम जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ पे गंगा कितनी साफ़ है यार, कितनी ज़्यादा साफ़ है गंगा नदी यहाँ पे। और मेरे घर साहिबगंज है, वहाँ पहुँचते पहुँचते भी इतना ही साफ़ रहती है, लेकिन पटना तरफ थोड़ी थोड़ी मैली हो जाती है गंगा नदी, लेकिन भाई साहब यहाँ जितना साफ़ है उससे भी ज़्यादा साफ़ हमारे साहिबगंज में गंगा नदी। और साहिबगंज में मैं जहाँ रहता हूँ वो झारखंड का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए और हम सभी लोगों के लिए। 1900 किलोमीटर डिस्टेंस मेरा टोटल अभी तक कवर हो गया है घर से, 1900 कवर करने के बाद जाकर के हमें गंगा नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका दर्शन और ये जो भव्य नगर है हरिद्वार उसका दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ मैं अपने आप को। अभी आगे जाना है, आगे देखते हैं हमारी चेकिंग होती है या नहीं, क्योंकि अभी तक तो हमारी कोई भी चेकिंग नहीं हुई है। लो भाई शंकर भगवान के दर्शन कर लो, वहाँ पे बीच में मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पे भी शंकर भगवान की मूर्ति है, उधर भी बहुत ही सुंदर एक मूर्ति बनी हुई है गंगा मैया की मूर्ति। अब जा करके बोर्ड आया है, योग नगरी ऋषिकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी यहाँ से और 155 किलोमीटर है और मैंने ऐसा सुना है कि जो चार धाम वाला हाईवे है वो बंद है, जिसके कारण से हमें टेहरी वाला डाइवर्जन लेना होगा, टेहरी होते हुए हमें श्रीनगर की ओर निकलना पड़ेगा वो वाले रास्ते से। और ये मेरा तीसरे बार होने वाला है, पहली बार दार्जिलिंग के पहाड़, दूसरी बार नेपाल के पहाड़ और तीसरी बार मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड के पहाड़। वैसे लद्दाख के पहाड़ों पे जाने का इरादा था लेकिन आपको पता ही है लद्दाखों में क्या हो रहा है अभी, तो लद्दाखों वाला पहाड़ मिस हो गया, लेकिन ये उत्तराखंड का पहाड़ ये मिस नहीं हुआ, यहाँ तक हम पहुँच गए अभी तक तो फ़िलहाल सब कुछ बढ़िया है, वो बोलते हैं ना सो फार सो गुड। चलो 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 सीट की पेटी बांध कर रखो क्योंकि अभी तो चढ़ाई शुरू ही हुई है।
नेपाल में मैंने ये वाला लाइन बोला था कि सीट की पेटी बांध कर रखो क्योंकि अभी तो चढ़ाई शुरू ही हुई है, तो वही वाली लाइन मैंने यहाँ पे चिपका दी। चढ़ाई स्टार्ट हो गई है दोस्तों, अब घुमावदार रास्ते आने वाले हैं और अब और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस राइड में। अभी तो बादल भी आएंगे ऊपर जाने के बाद, फिर ठंड भी शुरू होगी और फिर झरने भी दिखेंगे क्योंकि अभी तो चढ़ाई शुरू ही हुई है। हमें रोका गया है चेकिंग के लिए, अपने कोविड की रिपोर्ट को चेक कराने के लिए, और हमारा जो ई पास है उसे भी चेक कराना है। ये ई पास दिखाना होगा, कोविड का टेस्ट ना दिखाओ मोहित। हमारी ई पास चेक हो गई एंड वी आर ऑल सेट टू गो, वी आर ऑल सेट टू गो फॉर केदारनाथ बे। पहाड़ों पे बहुत ही ध्यानपूर्वक ड्राइव करना पड़ता है, आपको अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे तो एक्टिवेट करना ही पड़ता है, साथ ही अपने आँख को भी खुले रखना है और अपने कान को भी, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लाइंड कर्व्स है तो आपको पता नहीं चलता कि सामने से गाड़ी आ रही है या नहीं, और हेलमेट के अंदर जब आपका सर रहता है तो सामने से हॉर्न की आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं देती है ठीक से। तो बस सबकॉन्शियसली आप एक्टिवेट रहो, अपने कान और अपने आँख को खुले रखो और बस नज़ारों का मज़ा लो, और नज़ारों का मज़ा लो तो एक आंख से लो, एक आंख रोड पे रखो, ये बात का ध्यान आप हमेशा रखना। भाई साहब गोप्रो ने तो आज हैंग करने का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, अरे 20 बार मैंने गोप्रो खोल के बैटरी लगा लिया और ये है कि साला मानता ही नहीं। बहुत आगे निकल गया है रवि भैया और मोहित दोनों। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है। यार अगर आप नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक अगर आप आ गए हो यार, तो चैनल को ना बिना सब्सक्राइब किए मत जाना यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और वीडियो को लाइक कर देना यार, और अगर थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा लगा ना तो शेयर कर देना प्लीज़, ये आप लोगों से हाथ जोड़ करके एक विनती है बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। देख रहे हो ना भाई कितना खूबसूरत जगह है ये, कितना खूबसूरत, देव भूमि बोलते हैं इसे, उत्तराखंड को देव भूमि बोलते हैं, देव लोग यहाँ पे मतलब पुराने तत्वों की जो माने तो बहुत सारे जो देवी देवता लोग थे सब यहीं पे आकर के रहा करते थे। तो ये लोग हमारा वेट कर रहे थे रवि भाई और मोहित। मैं बहुत स्लो हूँ पहाड़ों पर, हाईवे पर मैं 80-90-100 तक मैं जाता हूँ, लेकिन भाई पहाड़ पर मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ क्योंकि मुझे भाई साहब डर लगता है कहीं कोई आगे से आकर ठोक ना दे कोई ब्लाइंड टर्न लेकर के, बस इसी चीज़ का मुझे है ना डर लगा हुआ रहता है पहाड़ों पर, बाकी सब बिंदास फर्स्ट क्लास बाकी सब कुछ। अभी हम टिहरी गढ़वाल में है, पीछे एक पुलिस चेक पोस्ट था वहाँ पर लिखा हुआ था टिहरी गढ़वाल, टिहरी डैम होते हुए जाएंगे हम, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऑफ रोड मिल गया है पहाड़ों पर, तो चलो भाई लद्दाख का नाम लेकर के उत्तराखंड में लद्दाख वाली फील ले लो आप लोग। काफ़ी ऊंचाई पर अभी हम, काफ़ी ज़्यादा रोड के हिसाब से सीधा गंगोत्री है और सीधा यमुनोत्री है, लेकिन हमें लेना है ये वाला टर्न, लेफ्ट टर्न, काफ़ी स्टीफ टर्न है भाई ये, काफ़ी ज़्यादा स्टीफ टर्न है। ओ या चढ़ गई, यहाँ से न्यू टिहरी है 60 किलोमीटर, तो शायद न्यू टिहरी होते हुए ही हमें जाना है। सामने बोर्ड है, बोर्ड में लिखा हुआ है यहाँ से देहरादून 50 किलोमीटर, नरेंद्र नगर में तो हम है, वो देख रहे हो ऊपर जो वो पहाड़, उसके ऊपर भी पहाड़ है, वहाँ जाना है हमें। और अभी मैं दिखाता हूँ कि हम किस ऊंचाई पर है, अभी मैं हेलमेट से कैमरा नहीं निकालूंगा, एक बार जब अच्छा सा प्रॉपर सा ब्रेक हम ले लेंगे तब दिखाएंगे आपको। ये देखो हम कितनी ऊँचाई पर है, वो नरेंद्र नगर शहर बसा हुआ है वहाँ पर, और भाई दूर दूर तक हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पूरा बादलों से ढका हुआ है, पूरा बादलों से, इसे देख करके लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही भयानक वाली लैंडस्लाइड हुई है, बहुत ही भयानक वाली लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे भाई। ये देख रहे हो वाटर क्रॉसिंग हमें मिल रहा है, वाह वाह वाह, अभी तो बस भाई ये शुरुआत है, मेरा एक्साइटमेंट लेवल देख करके आप लोग समझ ही सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, और आप भी एक्साइटेड हो मुझे पता है, तभी आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। वाह मैन,
बहुत ही अच्छे किस्मत है हमारे जो हमें उत्तराखंड आने का मौका मिला इस सिचुएशन में, केदारनाथ जाने का मौका मिला, हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समझते हैं। ओहो हो हो भाई, पेबल्स है यहाँ पे, पेबल्स में टर्न लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके टायर स्किड कर जाते हैं। झारखंड झारखंड हाँ, केदारनाथ जा रहे हैं। हाँ वही ना, मोबाइल में दिखाया कि रास्ता गलत हो तो वो लोग को फोन किया, वो लोग आ रहा है इसलिए आपसे पूछ लिया कि कहीं गूगल ये मोबाइल गलत तो नहीं बता। बहुत गलत जाते हैं बेटा। तुम इसलिए किसी के लिए जा रहे हो कि कुछ काम हो। ऊपर मंदिर है ना, आप मंदिर के पास जा रहे। हाँ तो अभी क्या हुआ था कि दो डाइवर्जन आए थे, एक इधर से एक इधर से, तो ये वाला रास्ता नहीं लेना था लेकिन हमने ये वाला रास्ता ले लिया। तो हमारे दोस्त लोग जो आगे चले गए थे मोहित और रवि भैया, वापस घूम करके आ रहे हैं। तो पहाड़ों पे अक्सर ये हो जाती है, गलत गलत रास्ते पे हम आ जाते हैं। ऐसे ज़्यादा दूर हम आए नहीं थे, करीब वही 1-2 किलोमीटर ही हम लोग आए होंगे। तो अच्छा हुआ कि मैंने रुक करके पूछ लिया, नहीं तो भाई साहब हम लोग तो बहुत दूर निकल गए होते इस रास्ते पकड़ के। रोड की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है और ऑफ रोडिंग के पूरे मज़े लिए जा रहे हैं, पूरे मज़े। बहुत ही टफ चढ़ाई है, चढ़ाई चढ़ने में हालत ख़राब हो रहा है यार, क्योंकि रोड सही नहीं है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है। और ये ट्रक भाई साहब बहुत ज़्यादा धूल उड़ाते हुए जा रही है, आंखों में धूल जा रहा है मेरा। और सामने बादल भी रोड पे आ चुके हैं, मतलब आगे भी फॉग पूरा होने वाला है और हमें बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। साहब यहाँ तो भयंकर वाली लैंडस्लाइड होती है, अभी तो बारिश शायद रुक गई है, मेरे ख्याल से मानसून शायद ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर मानसून के टाइम समय में यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ से भाई साहब मतलब पत्थर ही गिरेंगे सिर्फ और कुछ नहीं। ये देख रहे हो आप कितनी ऊंची ऊंची चट्टाने हैं, कितना भयानक वाला लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे। कसम से भाई, कसम से कैमरा जस्टिस नहीं करेगा भाई, कैमरा जस्टिस नहीं करेगा। कहाँ जाओगे कि हम आ गए हैं वर्ल्ड हाईएस्ट डैम के ऊपर।